Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. Hello and welcome to Sports 360, and I'm your host, Ahmed Hamad. Wiz, New Zealand beat India by 8 wickets to clinch the inaugural World Test Championship at Southampton in England yesterday. बड़ा जबरदस्त मैच हुआ. हमें पता है कि 5 दिन का टेस्ट मैच और बारिश हो गई पहले दिन, होती नहीं है अमूमन साउथहैम्पटन में, लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो रहा था तो क्रिकेट हो और बारिश कैसे ना हो, ये हो नहीं सकता. आपको मैच का स्कोर बताता चलूं कि इंडिया स्कोर 217 रन्स इन देयर फर्स्ट इनिंग एंड 170 इन देयर सेकेंड इनिंग्स. न्यूजीलैंड ने पहली इनिंग्स में 249 रन बनाए और 32 रन की लीड ली, जो बहुत वाइटल थी एंड ऑफ द डे. हमें मैच का रिजल्ट जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा ये 32 रन की लीड जो है ये कितनी क्रूशल थी. एंड इन रिप्लाई एंड वाइल चेजिंग द टारगेट, न्यूजीलैंड नीड 139 रन इन देयर सेकेंड इनिंग्स इन 53 ओवर्स. सबसे पहले मैच की पहली इनिंग्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लें. उससे पहले टॉस कितना क्रूशल था. आपको पता है कि इंग्लैंड में ओवरकास्ट कंडीशन और उसमें खेलना बहुत मुश्किल हो जाता है. बॉल ज्यादा जो है वो सीम और स्विंग करता है, तो ज्यादातर इंग्लैंड के अगर फास्ट बॉलर देखें तो जिमी एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड बहुत अच्छा स्विंग करते हैं, और उसका मुकाबला अगर न्यूजीलैंड का बॉलिंग अटैक देखें तो इस वक्त वो उसके मुकाबले का आया था एट पार विद इंग्लैंड बॉलिंग अटैक. टिम साउदी और उनके साथ ट्रेंट बोल्ट दोनों स्विंग बॉलर करते हैं, दोनों ने मैच में परफॉर्म करके दिखाया. लेकिन एक ऐसा बॉलर इस मैच में मैं कहूंगा कि जिसकी परफॉर्मेंस स्टैंड आउट करती है अबव ऑल, और वो थे काइल जेमिसन, जिनकी हाइट है 6'8", तो वो बहुत ज्यादा हाइट है. उस हाइट से जब आके वो बॉल करते हैं और डेक पे हार्ड हिट करते हैं तो उनको बाउंस भी मिल रहा है, ऑफ द पिच मूवमेंट भी थी, और वो बहुत मुश्किल था बैट्समैन को नेगोशिएट करना. और यही हमने देखा कि उन्होंने आउट भी ज्यादा किए. इंडिया ने अपनी पहली इनिंग स्टार्ट की तो उनका आवाज बड़ा अच्छा था. ओपनर्स ने 62 रन का उनका ओपनिंग पार्टनरशिप थी. रोहित शर्मा 34 रन, हमें पता है कि बहुत फ्लुएंट खेलते हैं, 6 बाउंड्रीज थी उसमें. T20 फॉर्मेट में इतनी इनिंग्स में वो शायद एक आध छक्के भी और लगा सकते, लेकिन टेस्ट मैच की रिक्वायरमेंट थी कि उनको कॉपी बुक स्टाइल खेलना था, मेरिट पे आके खेलना था. जब मूवमेंट ज्यादा होती है तो आपको इतना इजीली नहीं होता कि आप बाउंड्रीज लगा सके. खैर एनीवेज उन्होंने 34 रन की इनिंग में 6 बाउंड्रीज लगाई एंड ही वॉज इक्वली सपोर्टेड बाय शुभमन गिल, वेरी टैलेंटेड ओपनिंग बैट्समैन हु स्कोर्ड 28 रन. अच्छा 62 पे जब पहला सेशन चल रहा है हम समझते हैं कि एक अच्छा स्टार्ट मिल गया, इंडिया जो है वो सेटल्ड हो गई. बाकी लेटर जो बैट्समैन है मिडिल ऑर्डर के उन पे इतना प्रेशर नहीं आएगा क्योंकि नए बॉल को ओपनर्स ने निगोशिएट कर लिया. लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि एक विकेट गिरी और उसके साथ ही दूसरी 62 एंड 63 2, तो इंडिया की बैटिंग कोलैप्स करना शुरू हुई. इस मौके पर उनके कैप्टन विराट कोहली आए, उनका साथ दिया अजिंक्य रहाणे ने. दोनों की पार्टनरशिप अच्छी थी, लेकिन जब काइल जेमिसन बॉल करने आए और अपने बाउंस उनको विकेट से मिलना शुरू हुआ तो वो बड़े डिसाइसिव हुआ. एक ऐसा बॉल जो इन स्विंगर था विराट कोहली के पैड पे लगा, ऑल्दो कि लग रहा था कि हाइट से शायद स्टंप्स के ऊपर से निकल जाए, लेकिन वो राइट इन फ्रंट ऑफ द विकेट थे, इस तरह वो 44 रन पर आउट हो गए. और टेस्ट मैच की रिक्वायरमेंट में आपको बताऊं कि 44 पे आउट हुए, 132 बॉल्स खेली विराट कोहली ने और सिर्फ एक चौका लगाया. तो आपको पता चल सकता है कि क्रिकेट की क्या डिमांड थी, कितना अपने आप को अप्लाई करना था, टाइम को किल करना था. बेसिकली कंडीशंस इतनी सूटेबल नहीं थी फॉर द बैटिंग. उनका साथ दे रहे थे अजिंक्य रहाणे जिन्होंने 49 रन बनाए. अनफॉर्चुनेट रहे कि हाफ सेंचुरी ना बना सके. 117 बॉल्स खेले, 5 फोर्स उन्होंने लगाए, तो थोड़ा सा कोहली के मुकाबले में फ्लुएंट नजर आए. और इन दोनों की पार्टनरशिप एक अच्छी पार्टनरशिप हुई तो इंडिया थोड़ा सा गेम में दोबारा वापस आ गए. लेकिन जैसे ही विकेट गिरी तो बाकी इंडिया की बैटिंग जो है वो बिल्कुल रेजिस्ट नहीं कर पाई और पूरी टीम 217 रन पर आउट हो गई. हमने देखा है अमूमन इंडिया की ये जो बैटिंग लाइनअप है वो 400+500 रन करती है इन इंडिया. तो कहते हैं घर के शेर जब हार गए रेत की दीवार साबित हुई और वो ढेर हो गए एकदम से. 217 फर्स्ट इनिंग टोटल. जिस टीम ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया तो वो समझ रहा है कि हमने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट अगेंस्ट टॉप रेटेड टीम इंडिया हासिल कर ली है. अब लग रहा था कि एक बड़ी लीड ले सकती है न्यूजीलैंड. अब न्यूजीलैंड की तरफ से विकेट्स किस किसने लिए मैं बात कर रहा था,
काइल जेमिसन ने 22 ओवर्स किए जिसमें से 12 मेडन। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रन्स तो बन ही रहे होंगे, प्ले एंड मिस यही हो रहा होगा। 31 रन दिए और 5 विकेटें हासिल की, 5 for 31 इन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मैच विनिंग। इनके अलावा हमें पता है लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ट्रेंट बोल्ट ने 2 आउट किए, नील वैगनर जो बॉडी लाइन बॉल करते हैं, शॉर्ट पिच बॉल ज्यादा करते हैं लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, उन्होंने भी 2 आउट किए, और टिम साउदी ने 1 विकेट हासिल की। इस तरह उनके तकरीबन मेन बॉलर्स ने कॉन्ट्रीब्यूट किया, विकेट ली और इंडिया को 217 रन के टोटल पे आउट किया। जवाब में न्यूजीलैंड का स्टार्ट भी बहुत अच्छा था, 70 रन पे उनकी पहली विकेट गिरी, तो लग रहा था कि न्यूजीलैंड बिल्कुल इक्वल उनके आ रहा है अगेंस्ट इंडियंस और एक तगड़ा मैच नजर आ रहा। फिर विकेटें गिरना शुरू हुई क्योंकि पिच ऐसी थी कि बैट्समैन के लिए बहुत मुश्किल था इस पर निगोशिएट करना। टॉम लेथम 30 और डेविन कॉनवे 54 रन बनाकर आउट हो गए। इनके अलावा न्यूजीलैंड के कैप्टन केन विलियमसन 49 रन बनाए उन्होंने, वो भी अनलकी रहे और आउट हो गए, हाफ सेंचुरी ना बना सके। इनके अलावा अगर टेल की बात की जाए, टेल एंडर्स की, तो टिम साउदी ने थोड़ा खुल के, क्योंकि नजर आ रहा था कि विकेटें गिर रही हैं, तो उन्होंने चांस लिया, तो एग्रेसिव खेले, 30 रन बनाए, 2 छक्के भी लगाए उन्होंने, लेकिन टोटल जो है वो इंडिया से ज्यादा ले गए और 32 रन की लीड ले ली और इनकी पूरी टीम 249 रन पर आउट हो गई ऑफ 99.2 ओवर्स, तो ऑलमोस्ट 100 ओवर्स बैटिंग की। और इन कंपैरिजन अगर मैं देखूं तो इंडिया की टीम ने भी 92 ओवर्स बैटिंग की, तो दोनों टीमों ने मुश्किल कंडीशन के होने के बावजूद अप्लाई किया और ऑलमोस्ट 90 प्लस ओवर्स बैटिंग करना एक अच्छी बैट्समैनशिप, मैं कहूंगा कि आपने अपने आप को एटलीस्ट। इंडिया की जानिब से मोहम्मद शामी ने 4 और ईशांत शर्मा ने 3 विकेटें हासिल की, और उनके जो ऑफ स्पिन बॉलर हैं रविचंद्र अश्विन, उन्होंने भी 2 खिलाड़ियों को आउट किया। इंडिया ने दूसरी इनिंग में 32 रन की लीड कंसीड करने के बाद जब दूसरी इनिंग का स्टार्ट किया तो शुरू से ही मुश्किलात का शिकार, पहली विकेट ही इंडिया की 24 रन पे गिर गई। इंडिया की दूसरी इनिंग का आगाज जब इंडिया ने 32 रन की लीड कंसीड कर ली तो इतना अच्छा नहीं था, शुभनम गिल जो है वो 8 रन बनाकर आउट हो गए और इंडिया का टोटल था जस्ट 24, तो आपके ओपनिंग बैट्समैन एक आउट हो गया। तो उसके बाद चेतेश्वर पुजारा आए जिसे 15 रन बनाए, विराट कोहली दूसरी इनिंग में बड़ी इनिंग नहीं खेल सके, सिर्फ 13 रन के स्कोर पर आउट हो गए, और इसी तरह अजिंक्य रहाणे जिन्होंने 49 रन बनाए थे पहली इनिंग में, वो 15 के स्कोर पे आउट हुए। इंडिया के विकेट कीपर बैट्समैन ऋषभ पंत जो है उन्होंने थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस शो की और 41 रन बनाए। इंडिया वर ऑल आउट फॉर 170 रन ऑफ 73 ओवर्स, तो और थोड़े ओवर्स, पहली इनिंग में अगर 91 ओवर्स बैटिंग की थी 92, तो दूसरी इनिंग में इंडिया की टीम 71 ओवर्स बैटिंग कर सके। कंडीशंस और डिफिकल्ट होती जा रही थी, न्यूजीलैंड के बॉलर्स की परफॉर्मेंस मजीद, मैंने कहा कि टिम साउदी, अगर मैं बात करूं इंग्लैंड की, इंग्लैंड के फास्ट बॉलर टिम साउदी का मुकाबले के जिमी एंडरसन है, तो इसी तरह उन्होंने इंग्लिश कंडीशन का बेहतरीन यूटिलाइज किया और उसके बाद से 4 खिलाड़ियों को आउट किया दूसरी इनिंग में। उनके साथ ट्रेंट बोल्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ने 3 आउट किए, और काइल जेमिसन जिन्होंने पहली इनिंग में 5 आउट किए थे दूसरी इनिंग में भी 2 खिलाड़ियों को आउट किया, और इस तरह इंडिया की पूरी टीम 170 रन पे आउट हो गई। न्यूजीलैंड को 139 रन का टारगेट मिला ऑफ 53 ओवर्स, को इतना आसान नहीं था, टोटल आपको छोटा नजर आ रहा है, लेकिन न्यूजीलैंड लॉस्ट देयर फर्स्ट विकेट एट द स्कोर ऑफ 33 एंड द सेकंड एट 44। इस मौके पे ये लग रहा था कि शायद इंडिया अभी भी गेम में मौजूद है और मजीद 96 रन रहते हैं तो शायद इंडिया न्यूजीलैंड को आउट कर पाएगी, लेकिन इस मौके पे एक्सपीरियंस रॉस टेलर और कैप्टन केन विलियमसन उन्होंने बेहतरीन बैट्समैनशिप का मुजाहरा किया, बेहतरीन बैटिंग की और अपनी टीम को फर्स्ट टाइम द इनॉग्रल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का विनर करार दिया, टेस्ट चैंपियनशिप जीत ली और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 10 टेस्ट प्लेइंग नेशंस, उसमें से पहली दफा अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो रही है वो आप जीतें। व्यूज आपको ये भी बताते चलूं कि 2 साल पहले भी न्यूजीलैंड ने वनडे के वर्ल्ड कप में भी इंडिया को ही शिकस्त दी थी, तो इंडिया की 2013 के बाद से किसी वर्ल्ड इवेंट में ये 5वीं शिकस्त है। लग रहा है कि इंडिया ऑल्दो के बहुत स्ट्रांग टीम है, बैटिंग की बात करें,
बॉलिंग की बात कर लें, कैप्टेंसी की बात कर लें, लेकिन जो मेजर इवेंट्स आ रहे हैं उसमें एक टैग जो हम देखते हैं साउथ अफ्रीका के साथ है चोकर्स का, वो तकरीबन इंडिया के साथ भी अब अटैच हो रहा है, क्योंकि फाइनल में आकर ट्रॉफी को ना विन करना, चैंपियनशिप ना जीतना, तो चोकर्स का टैग जो है वो थोड़ा बहुत स्टेब्लिश होता जा रहा है विद इंडियन क्रिकेट टीम। 139 रन के टारगेट में न्यूजीलैंड की जानिब से कैप्टन केन विलियम्स, उन्होंने हाफ सेंचुरी स्कोर की। He scored 52 of 89 balls with the help of 8 fours, while his partner Ross Taylor scored 47 of 100 ball with the help of 6 fours. तो दोनों ने थोड़ा खुल के भी खेले और विकेट को भी सिक्योर किया और एक ऐसा टारगेट अचीव कर लिया कि हमेशा क्रिकेट की हिस्ट्री में आएगा कि इनॉग्रल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप किस टीम ने जीती, तो वो थी न्यूजीलैंड की। काइल जेमिसन ऑफ न्यूजीलैंड, who captured 5 wickets in the first inning and 2 in the second, was declared man of the match. तो ये एक और रिकॉर्ड है कि अगर आज से 20 साल बाद आप क्रिकेट के कोई क्विज में जाएं या कोई हिस्टोरियन होगा आपसे पूछे कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, इनॉग्रल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का मैन ऑफ द मैच कौन था, तो वो थे न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर काइल जेमिसन। इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 9 टेस्ट प्लेइंग नेशंस ने हिस्सा लिया और इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से पहले जो स्टैंडिंग थी वो इस तरह थी कि इंडिया प्लेड 17 मैचेस, वन 12 मैचेस एंड लॉस्ट जस्ट 4 और एक मैच ड्रॉ रहा। इस तरह इंडिया ने 520 पॉइंट के साथ पहली पोजीशन हासिल की। नंबर 2 वो न्यूजीलैंड, प्लेड 11 मैचेस, वन 7 मैचेस, लॉस्ट 4 मैचेस और 420 पॉइंट्स थे इनके। थर्ड पे ऑस्ट्रेलिया, दे प्लेड 14 मैचेस, वन 8 मैचेस and lost 4 matches and 2 were drawn और इनके points थे 332। फिर चौथे नंबर पे आ जाते हैं जनाब इंग्लैंड की टीम, played 21 matches, सबसे ज्यादा matches इंग्लैंड खेले, they played 21 matches and won 11 and lost 7 while 3 ended in a draw। पांचवें नंबर पे साउथ अफ्रीका की टीम है जिसने 13 मैच खेले, 5 जीते, 8 हारे, तो शिकस्त का जो कॉलम है यहाँ पे वो थोड़ा ज्यादा हो गया, विक्ट्री कम थी। छठे नंबर पे पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान इस रैंकिंग में छठे नंबर पर आया और पाकिस्तान ने भी 12 मैच खेले, 4 जीते, 5 हारे, जबकि 3 मैच ड्रॉ रहे। श्रीलंका ने भी 12 मैच खेले, 2 जीते, 6 हारे और 4 मैचेस इनके ड्रॉ रहे। आठवें नंबर पर वेस्ट इंडीज की टीम है जिसने 13 मैचेस खेले, 3 जीते और 8 में शिकस्त का सामना करना पड़ा, जबकि 2 मैचेस इनके भी ड्रॉ रहे। और नंबर 9 सबसे आखिर में जो टीम रही वो थी बांग्लादेश की, जिसने 7 मैचेस खेले, 6 में उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा और सिर्फ 1 मैच उनका ड्रॉ रहा। इस तरह ये 9 टेस्ट प्लेइंग नेशन इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में शिरकत की और हमें पता चला कि न्यूजीलैंड और इंडिया फाइनल में पहुंची और फाइनल में न्यूजीलैंड ने इंडिया को 8 विकेटों से शिकस्त देकर इनॉग्रल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत ली। तो वेल्डन न्यूजीलैंड, एंड ऑन दिस नोट वी कम टू द एंड ऑफ आवर शो। इट्स गुड बाय फ्रॉम स्पोर्ट्स 360। कीप ऑन वॉचिंग स्पोर्ट्स 360 विद अहमद हमाद फॉर लेटेस्ट न्यूज, व्यूज एंड इंटरव्यूज ऑफ स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड।